D. C2H5OH plus MnO4 negative giving you C2O3O negative plus MnO2 plus S2. इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में हम बैलेंस करेंगे एंड बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड ही एम्प्लॉय करते हैं. C2H5OH गिविंग यू C2H3O नेगेटिव. पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. C2 दो कार्बन बैलेंस है, इधर 5 + 1 = 6 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन. रिएक्टेंट साइड 3 हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड ज्यादा है. 3 हाइड्रोजन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए मैं 3 हाइड्रोक्सिल आयन डालता हूं. 3 हाइड्रोक्सिल 3 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स दे देंगे. ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है ही. इस बात को समझिए, दो कार्बन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है. मुझे इधर 5 + 1 = 6 हाइड्रोजन दिख रहे थे, इधर 3 हाइड्रोजन दिख रहे थे. मुझे 3 हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड ज्यादा दिख रहे थे. 3 हाइड्रोजन के लिए मैंने 3 हाइड्रोक्सिल आयन डाले. बेसिक मीडियम में मैं चाहे जितने हाइड्रोक्सिल आयन इस्तेमाल कर सकता हूं. 3 हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन करके 3 वाटर बन. अब चार्ज बैलेंस करने के लिए 0, इधर सिंगल नेगेटिव, इधर 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज मुझे प्रोडक्ट साइड डालने होंगे. अब MnO4 नेगेटिव गिविंग यू MnO2. इधर एक Mn, इधर एक Mn, O2 इधर 4 ऑक्सीजन. तो 2 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है. 2 ऑक्सीजन को ज्यादा देखकर मैं इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूं. 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के साथ इधर 4 OH नेगेटिव दे दे. अब चार्ज बैलेंस करने के लिए 4 नेगेटिव, इधर सिंगल नेगेटिव, इधर 3 इलेक्ट्रॉन मुझको ऐड करना होगा. बेसिक मीडियम में इस तरह से रिएक्शन को लिखा. अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए (3)(2) इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे. और अब मैं ऐड कर देता हूं, मुझे बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी. C2H5OH plus twice MnO4 negative plus S2O plus OH negative giving you C2H3O negative plus twice. First twice MnO2. I hope मैंने सब कुछ सही करा है. नहीं, मैंने गलती कर दी है. H2O गलती कर दी है. 3, 9, 4, 5 H2O product side आएगा plus OH negative. तो ठीक है, 3 × 3 = 9, 8, 1 OH negative. और H2O किस तरह दिखेगा ये देख लेता हूं. 9 - 4 = 5 H2O. दिस इज द फोर्थ रिएक्शन, कंप्लीटली बैलेंस्ड. चार्ज देख लीजिए, सारे स्पेशल देख लीजिए, आपको पूरी तरह से बैलेंस. हाँ जी, कौन सा ये वाला आ गया क्या? फिफ्थ वाला हो गया. ई पहले करता हूं फिर एफ करूंगा. ई रिएक्शन को हम देखते हैं. किस मेथड से बैलेंस करूं इसको? इलेक्ट्रॉन
मैं दोनों मेथड से बैलेंस करके दिखाऊं तो? यस सर। यस सर। दोनों ही मेथड से बैलेंस करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। इनफैक्ट आई विल सिंपली डेमोन्स्ट्रेट हियर कि किसी भी रिएक्शन को दोनों मेथड से बैलेंस करा जा सकता है। अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, इसको दोनों ही मेथड से हम करते हैं। पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, और फिर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से ही बैलेंस करेंगे जो आज के दिन हमने सीखा। लेट अस बैलेंस इट बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन में एक बात देखेंगे कि इसमें ऑक्सीडाइज एक स्पेशियस नहीं बल्कि दो स्पेशियस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्रोमियम भी जो इधर प्लस थ्री पर है, क्रोमियम भी जो इधर प्लस थ्री पर है वह प्लस लिटासियस ओ फोर टू नेगेटिव है। इधर यह भी इधर प्लस सिक्स पर जा रहा है, और आयोडीन जो माइनस पर है वह भी प्लस सेवन पर जा रहा है। तो क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमको प्लस थ्री से प्लस फाइव पर जाते हुए बढ़ता हुआ दिखा है, और आयोडीन का भी माइनस वन से प्लस सेवन पर जाते हुए बढ़ता हुआ दिखा है। तो क्रोमियम और आयोडीन दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का है, जो ऑक्सीजन जो माइनस वन पर है यहां माइनस टू पर जा रहा है प्रोडक्ट साइड बेसिक मीडियम में। अब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से लिखेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से लिखते समय जितने भी स्पेशियस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं उन सभी को एक साथ एक ही रिएक्शन में लिखा जाएगा, CrI3 पूरा का पूरा लिखेंगे। और इधर हम लिखेंगे क्रोमियम एट प्लस सिक्स, और लिखेंगे आयोडीन एट प्लस सेवन। ऑक्सीडाइज होने वाले सारे स्पेशियस एक ही आप रिएक्शन में एक साथ लिखेंगे। एक क्रोमियम है इसलिए इधर एक क्रोमियम, तीन आयोडीन है इसलिए थ्री आयोडीन एट प्लस सेवन। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पहली हाफ रिएक्शन इस तरह से लिखी जाएगी। CrI3 पर नेट चार्ज जीरो है, और इधर नेट चार्ज देखते हैं 3 × 7 21 प्लस 6 27 पॉजिटिव चार्ज, तो इधर हम 27 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इलेक्ट्रॉन मेथड से एक हाफ रिएक्शन को लिखने के बाद दूसरी हाफ रिएक्शन लिखते हैं। O2 at minus 1 is giving you O at minus 2. H2O2 में O2 पूरा O2 लिखेंगे और ये माइनस वन पर है पेरोक्साइड में, और H2O में एक ऑक्सीजन और ये माइनस टू पर, तो दो ऑक्साइड इस तरह के होंगे। अब इधर माइनस वन वाला एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन माइनस टू, इधर माइनस फोर, तो इस जगह पर मुझे दो इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए दूसरे रिएक्शन को 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, पहले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 54 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे, और यह रिएक्शन इस तरह से दिखने लगेगी। अब 2 CrI3 प्लस 27 पेरोक्साइड्स प्लस 2 Cr एट प्लस 6 प्लस 6 आयोडीन एट प्लस 7 प्लस 54 ऑक्सीजन एट 2 नेगेटिव। यह बेसिक स्केलेटन रिएक्शन से हमें कोएफिशिएंट्स देखने लगे हैं। हम कहेंगे CrI3 का कोएफिशिएंट 2 ही होना होगा, 27 H2O2 गिविंग यू 2 Cr
4, 2 negative plus 6 IO4 negative plus 54 S2. इस तरह से अब देखिए क्रोमियम बैलेंस्ड है परफेक्टली, आयोडीन भी परफेक्टली बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है. अब हमें बाकी के हाइड्रोजन और बाकी के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम वाला कंसेप्ट लगाना होगा जो हम बड़ी आसानी से लगाएंगे. देखिए कैसे, पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं. 27 इंटू टू, इधर 54 हाइड्रोजन है, 54 इंटू टू इधर 108 हाइड्रोजन. तो इधर 54 हाइड्रोजन ज्यादा, इन 54 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं 54 हाइड्रोक्सिल आयन डालता हूं. 54 हाइड्रोक्सिल आयन 54 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके 54 वाटर मॉलिक्यूल्स दे देंगे. इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. अब मैं ऑक्सीजन, अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन की काउंटिंग कर लेता हूं, कितने ऑक्सीजन कहां पर किस तरह से ज्यादा है, और फिर मैं उस ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल आयन और वाटर के द्वारा बैलेंस करूंगा. देखिए इधर जो 54 ऑक्सीजन थे वहां तो इसके साथ में बैलेंस, इधर 54 ऑक्सीजन, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं, इधर 54 ऑक्सीजन और 54 H2O में 54 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है. 54 H2O के 54 ऑक्सीजन इसके साथ में बैलेंस है. अब अनबैलेंस ऑक्सीजन जो मुझे दिख रहा है, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 4 24, 24 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, 8 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, 32 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड ज्यादा है. 32 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड ज्यादा देखकर मैं 32 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करता हूं. 32 वाटर मॉलिक्यूल्स 32 ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके 64 हाइड्रोक्सिल आयन, और यह रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. अब मैं फाइनली कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन को लिख देता हूं. क्या रही थी, प्लस 27 H2O2 प्लस 54 H2O इधर से कैंसल्ड प्लस 54 10 हाइड्रोक्सिल आयन 64 OH नेगेटिव इधर है, 54 OH नेगेटिव इधर है, तो 10 हाइड्रोक्सिल आयन बचे रह गए, गिविंग यू 2 CrO4 2 negative plus 6 IO4 negative plus 32 H2O and the reaction is completely balanced. बड़े ध्यान से इस reaction को देखिए कि किस तरह से reaction balance होके किस तरह से लिखी गई. मैं इस रिएक्शन को दोबारा बैलेंस करूंगा. मैंने अभी इसे बैलेंस करा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, मैं दोबारा इसको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से भी बैलेंस करके दिखाऊंगा. नाउ लेट्स बैलेंस दिस बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में भी हम पूरे CrI3 को लिखेंगे, CrO42 नेगेटिव प्लस IO4 नेगेटिव, हम पूरी तरह से इसको लिखेंगे. और इधर एक क्रोमियम है तो एक CrO42 नेगेटिव, इधर तीन आयोडीन है तो इधर 3 IO4 नेगेटिव. इस तरह से क्रोमियम आयोडीन को हमने पहली बार में बैलेंस करते हुए चले. अब हम कहते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं, इधर 4 3 इंटू 4 12 प्लस 4 कितना हुआ 16 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड ज्यादा है तो
16 वाटर मॉलिक्यूल बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, इसलिए 16 वाटर मॉलिक्यूल इधर डाले और इधर 32 OH नेगेटिव। इस तरह से हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। इस जगह पर 32 नेगेटिव चार्ज है, इस जगह पर देख ले 2 नेगेटिव, 80 नेगेटिव, 5 नेगेटिव चार्ज, 5 नेगेटिव इस तरफ है, उधर 32 नेगेटिव है, तो इधर 27 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। 27 नेगेटिव चार्ज प्लस 3 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव, 32 नेगेटिव अब इधर भी होगा। इस तरफ हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब दूसरी हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं कहता हूं H2O2 गिविंग यू H2O। हम O2 को चलिए पहले बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस H2O कर लेते हैं। अब इधर हो गया 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा को बैलेंस करने के लिए इधर मैं 2 OH नेगेटिव लगाता हूं। 2 OH नेगेटिव 2 हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए दूसरे रिएक्शन को हमको 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, पहले रिएक्शन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अब जब 54 इलेक्ट्रॉन काट देंगे तो हमें फुली बैलेंस रिएक्शन डायरेक्टली ही मिल जाएगी। लिखेंगे 2CrI3 प्लस 27 H2O2 प्लस 32 OH नेगेटिव इधर है और इधर है, बैलेंस कर दो देखो। गिविंग यू 2 CrO4 2 नेगेटिव प्लस 6 IO4 नेगेटिव प्लस 54 प्लस 10 OH नेगेटिव। अब H2O प्रोडक्ट साइड देखना है कितने हैं, 32 प्लस 27 देख लीजिए। बात F वाली रिएक्शन बैलेंस करता हूं। इनफैक्ट विद दैट आई डिक्लेयर द फिनिश ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यह टॉपिक इसी के साथ, यह F रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूं, इसके साथ ही रेडॉक्स रिएक्शन पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। हमने रेडॉक्स रिएक्शन के सारे कंसेप्ट देख लिए, सीख लिए और रिएक्शंस भी हमने एट वेरी कॉम्प्लेक्स लेवल रिएक्शंस को भी हमने बैलेंस करना सीख लिया एफ रिएक्शन के बाद। इसके बाद अब आप जो पैकेज दिया है, जो शीट दिया है, आप बाकी की सारी रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जस्ट एंश्योर कि यहां आपको किसी भी तरह की रिएक्शन बैलेंस करना आती है। देखिए KOH प्लस K4FeCN6 प्लस CeNO3 होल 4 गिविंग यू Fe OH होल 5
plus C OH whole thrice plus K2CO3 plus KNO3 plus S2. अब मैं जरा एक बात बताता हूं, जनरली जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड हमेशा ज्यादा कंफर्टेबल होता है रिएक्शन को बैलेंस करने के। जो आज मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड सिखाया है दैट इज अ बेटर मेथड इफ द रिएक्शन आर कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कई बार एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखना ही चैलेंज हो जाता है। मैं कहूंगा इस जगह पर बेहतर होगा हम बैलेंस करें इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इस रिएक्शन को अलग लिखेंगे CE NO3 whole 4 गिविंग यू CE OH whole thrice। इस हाफ रिएक्शन को अलग लिखेंगे और दूसरी हाफ रिएक्शन जो हम लिखेंगे K4Fe CN6 गिविंग यू द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हम कैसे कैसे लिखेंगे ध्यान से समझ लें। Fe का यह प्रोडक्ट हमें यहीं पर लिखना होगा Fe OH whole thrice, कार्बन से बनने वाला K2CO3 भी लिखना होगा और नाइट्रोजन से बनने वाला KNO3 भी हमें यहीं पर लिखना होगा। हम ये दो हाफ रिएक्शन लिखेंगे। अब देखिए दोनों हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। पहली हाफ रिएक्शन सीरियम सीरियम बराबर बैलेंस, इधर मुझे तीन हाइड्रोक्सिल दिख रहे हैं, इधर मुझे चार नाइट्रेट दिख रहे हैं। इन्हें बैलेंस करने के लिए मैं कहता हूं मुझे नाइट्रेट आयन प्रोडक्ट में भी दिख ही रहा है, तो मैं ऐसे के ऐसे ही चार नाइट्रेट आयन प्रोडक्ट साइड लिख देता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड मुझको नाइट्रेट आयन KNO3 के फॉर्म में दिख रहे हैं। इस तरह से सीरियम के साथ में जो चार नाइट्रेट है इन्हें बिल्कुल चार नाइट्रेट ऐसे कैसे प्रोडक्ट में लिखकर इनको मैंने बैलेंस कर दिया। मैं चार नाइट्रेट आयन प्रोडक्ट में इसलिए लिख पाया हूं क्योंकि मुझे रिएक्शन में नाइट्रेट आयन बनते हुए दिख रहे हैं, इसलिए नाइट्रेट आयन लिखे जा सकते हैं, नाइट्रेट आयन का रिएक्शन को बैलेंस करने में इस्तेमाल करा जा सकता। इसके बाद मुझे तीन हाइड्रोक्सिल आयन और दिख रहा है इधर, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में दे रखी है और बेसिक मीडियम में हम चाहे जितने हाइड्रोक्सिल आयन किसी भी तरफ लिख सकते हैं, तो तीन हाइड्रोक्सिल आयन ने ऐसे कैसे रिएक्टिव साइड लिख दी। और पहली हाफ रिएक्शन के सीरियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्सिल ये सब तीन बैलेंस हो चुकी है, अब सिर्फ चार्ज बैलेंस करना बाकी है। इधर जीरो चार्ज, इधर थ्री नेगेटिव, इधर फोर नेगेटिव, तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड एक इलेक्ट्रॉन डालना होगा। और पहली हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, अब दूसरी हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने की तैयारी करते हैं। K4FeCN6 एक Fe इधर है, इसीलिए एक FeOH whole thrice लिखना बिल्कुल सही है। इधर छह कार्बन है CN6, छह कार्बन, सिंस वी हैव सिक्स कार्बन हियर इसलिए इधर K2CO3 का कोएफिशिएंट सिक्स हमें लगाना ही होगा, और इधर छह नाइट्रोजन भी है इसलिए सिक्स KNO3 भी हमें इधर लिखना ही होगा। हम पोटेशियम की परवाह नहीं कर रहे हैं, पोटेशियम को हम K पॉजिटिव के रूप में बैलेंस कर देंगे, हम परवाह कर रहे हैं Fe की, पोटेशियम की परवाह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पोटेशियम तो ढेर सारा कहीं भी किसी भी तरह से बैलेंस जाएगा, इधर भी K2CO3 इधर भी KNO3 अपने आप बैलेंस जाएगा पोटेशियम, हमें चिंता करनी चाहिए Fe की क्योंकि Fe सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के रूप में जाएगा FeOH whole thrice।
हमें चिंता करनी चाहिए कार्बन की, क्योंकि कार्बन से सही की प्रोडक्ट के रूप में जा रहा है के टू सी ओ सी। हमें चिंता करनी चाहिए नाइट्रोजन की, क्योंकि इधर के एन ओ सी के फॉर्म में जा रहा है। अब एफई कार्बन और नाइट्रोजन ये बैलेंस हो गए। अब इसके बाद हम बाकी की रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले अब हम पोटेशियम को ही बैलेंस करेंगे। इधर हमारे पास 6 × 2 = 12 + 6 = 18 पोटेशियम है, इधर हमारे पास 4 पोटेशियम है, तो 14K+ हम डाल देते हैं। 14K+ इस तरह से पोटेशियम बैलेंस हो गए। 14K पॉजिटिव आयन, जे के पॉजिटिव आयन QH के रूप में अपने आप हमें मिल जाएंगे। अब मैं हाइड्रोक्सिल को बैलेंस करने की चिंता करता हूं। पोटेशियम Fe कार्बन नाइट्रोजन से बैलेंस है। अब इधर क्या हाइड्रोक्सिल, 3 हाइड्रोक्सिल है इधर ज्यादा, 3 हाइड्रोक्सिल को बैलेंस करने के लिए मैं सीधे सीधे 3 हाइड्रोक्सिल आयन डाल देता हूं। 3 हाइड्रोक्सिल भी बैलेंस हो गए। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। 6 × 3 = 18 ऑक्सीजन, 6 × 3 = 18, 36 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, 36 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड ज्यादा देखकर 36 H2O डालता हूं, और इधर 72 हाइड्रोक्सिल आयन। इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब चार्ज को बैलेंस करता हूं। इधर 0 चार्ज, प्रोडक्ट साइड तो पूरी तरह से 0 चार्ज। अब रिएक्टेंट साइड चार्ज देख लेता हूं, 72 + 3 = 75 नेगेटिव चार्ज और 14 पॉजिटिव चार्ज, तो 75 में से 14 गया तो 61 नेगेटिव चार्ज है। इस तरह 61 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं इधर 61 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूं, और अब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए पहली रिएक्शन को 61 से मल्टीप्लाई करा और अब मैं ऐड कर देता हूं, 61 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कोई देखकर हिट एंड ट्रायल से कभी बैलेंस कर ही नहीं सकता। इस तरह का एक सिस्टमैटिक अप्रोच अडॉप्ट करना ही होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। वैसे 61 CeNO3 whole 4 + K4 Fe CN6, जिन जिन को मैं लिखते जा रहा हूं पट्टिक लगाते जा रहा हूं। अब 61 CeOH3 + Fe OH3 + 6 K2CO3 and 6 KNO3, इन सबको लिख दिया। अब बाकी की चीजें जरा देखता हूं यहां से। हाइड्रोक्सिल आयन की गिनती कर ली जाए। अब हाइड्रोक्सिल अरे मुझको रिएक्टेंट साइड दिख रहा है, 72 + 3 = 75 + 3 = 78 हाइड्रोक्सिल आयन। अब पोटेशियम भी देख लो, पोटेशियम आयन मुझको सिर्फ इधर दिख रहा है, 14 पोटेशियम आयन ये हो गए। अब ये सारे टिक हो गए, इन सबको कंसीडर कर लिया। अब दिख रहा है मुझे इधर 4 × 61 नाइट्रेट आया, 4 × 61 मीन्स 244 नाइट्रेट आया। ये हो गया। नहीं, मैंने हाइड्रोक्सिल आयन गलत लिख दिए। हाइड्रोक्सिल आयन गलत क्यों लिख दिया है मैं बताता हूं, क्योंकि 3 × 61 करना भूल गया मैं। 268 हाइड्रोक्सिल आयन 268
हाइड्रोक्सिल आयन। बिल्कुल सही करा ना आपने, 3 × 61 हुआ 183 plus 75, तो 3, 5, 8, 18, बिल्कुल ही। अब यह हाइड्रोक्सिल आयन लिख दिए, यह लिख दिया, अब नाइट्रेट आयन के लिए 244 नाइट्रेट आयन प्लस 36 H2O। अब इसके बाद कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन को लिखने के लिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे के पॉजिटिव और OH नेगेटिव को KOH के रूप में लिखना है, और इधर जो नाइट्रेट आयन है इसको KNO3 के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करता हूं, 244 नाइट्रेट आयन इधर, 244 नाइट्रेट आयन है, इसलिए मैं इधर 244 के पॉजिटिव आयन राइट साइड भी जोड़ देता हूं और 244 के पॉजिटिव आयन रिएक्टेंट साइड भी जोड़ देता हूं। जरा ध्यान से समझे इस बात को, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं उसको। मैंने 244 नाइट्रेट आयन इधर देखे, मुझे नाइट्रेट आयन इधर आयोनिक फॉर्म में नहीं लिखना है, मुझे नाइट्रेट आयन इधर मॉलिकुलर फॉर्म में लिखना है, और वो नाइट्रेट आयन का मॉलिकुलर फॉर्म है KNO3। तो इसे मॉलिकुलर फॉर्म में लिखने के लिए इधर 244 के पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड जोड़े, तो इतने ही के पॉजिटिव मैं रिएक्टेंट साइड भी जोड़ रहा हूं। दोनों तरफ मैंने 244 के पॉजिटिव, अब देखें 244 के पॉजिटिव प्लस, अरे 268 सही लिखा था क्या, देखो 258 होगा शायद, 83% 258। अब रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, 244 के पॉजिटिव प्लस 14 के पॉजिटिव, ये हुआ 258 के पॉजिटिव और 258 OH नेगेटिव। तो यह रिएक्शन अब बैलेंस होकर फाइनली इस तरह से लिखी जाएगी, 61 CE NO3 whole 4 प्लस K4 Fe CN6 प्लस 258 KOH, गिविंग यू 61 सीरियम हाइड्रोक्साइड प्लस Fe OH whole 5 प्लस 6 K2CO3, 244 KNO3 प्लस 6 KNO3, 250 KNO3 प्लस 36 H2O। इन दिस मैनर reaction, this complicated reaction is perfectly balanced, and this is a systematic method to balance any complicated redox reaction. यदि इस तरह की redox reaction को आपने balance करना सीख लिया, now you can balance any type of reaction. इसी के साथ मैं redox reaction topic को पूरी तरह से finish declare करता हूं। तो मैंने आपको शीट्स और पैकेज दिए हैं, आप इनको सॉल्व कर लो, एक पूरा प्रॉब्लम वहां पर और है उसको पूरा सॉल्व कर लेना, और यदि आप उसको पूरा सॉल्व करके सारे बैलेंस रिएक्शन कर लिए, इट मींस द चैप्टर इज फिट फॉर यू। कोई डाउट हो तो मुझसे आप अलग से